अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सना। आज मैं बना रही हूं क्रीमी मटन कढ़ाई। देखें ये, इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। गोश्त को मैंने साफ कर लिया, प्रेशर में डाल लिए, पानी डालूंगी। जितना हमारा मटन होगा उतना हमने थोड़ा सा पानी डालना, ना ज़्यादा हो ना कम। प्याज डालने, टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्चें काट लेंगे, हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे, प्रेशर को बंद कर लेंगे। हमारा मटन गल चुका है, देखें बहुत अच्छी तरह हमारा मटन गल चुका है। यखनी जो है इसमें हम निकाल लेंगे, निकाल के घी डाल के हमने भूनना है इसको। भून के अगर चाहें आप ऊपर से शोरबा लगा सकते हैं, यखनी डाल सकते हैं। भून के फिर आपने ऊपर से यखनी डालनी है। हरी मिर्ची अगर काट लेंगे बारीक, गरम मसाला हमने पीसा है, नीड़ा लेंगे। यखनी हमने निकाल ली थी, बाकी के मटन में हम डालेंगे घी, लाल मिर्चें और काली मिर्चें, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ऊपर से हम चाहे यखनी लगा लेंगे तो बहुत ही लजीज बनेगा। हरी मिर्चें डालेंगे बारीक कटी हुई, अदरक, क्रीम डालेंगे, देखें बहुत ही अच्छी तरह गला हुआ हमारा क्रीमी गोश्त तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। यखनी इसके अंदर हमने ऐड किया है, बर्तन में डालेंगे। बहुत टेस्टी लग रहा है, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत ही लजीज लगेगा। जो यखनी में डिप करके हम खाते हैं रोटी तो बहुत ही अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ओके खुदा हाफिज़।